सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दड़बे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है, वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी सात पुश्ते आराम का जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ भर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पढ़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। लालच बुरी बला है। दो चूहों की कहानी। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहों में गहरी मित्रता थी। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजा करते और एक दूसरे का हाल जाना करते थे। एक बार गांव में रहने वाले चूहे ने शहरी चूहे को गांव आने का निमंत्रण भेजा। शहरी चूहे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सप्ताहांत का समय नियत हुआ और गांव का चूहा अपने शहरी मित्र के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गांव के खेत खालिहानों की सैर करवाना चाहता था। वह अपने मित्र की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसके लिए ढेर सारे फल और अनाज इकट्ठा करने में लगा हुआ था। आखिर वह दिन भी आया जब शहरी चूहा गांव पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे बातें करते रहे और एक दूसरे को अपना हाल बताते रहे। फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। भोजन में गांव के चूहे ने अनाज और फल परोसे, जिसे खाकर दोनों ने आराम किया। शाम को गांव का चूहा अपने शहरी मित्र को गांव दिखाने ले गया। शहरी चूहा वहां के खेत खलिहान देखकर आनंद से भर उठा। वहां की शुद्ध हवा में श्वास लेकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और वायु शुद्ध है, जो तुम्हें शहर में शायद ही नसीब होती होगी मित्र। शहरी चूहा शहर की समस्याएं जानता था। वह वर्षों से वहां रहा था, लेकिन गांव के चूहे मित्र की ये बात उसे बुरी लग गई। हालांकि वह कुछ बोला नहीं। गांव का चूहा गांव की प्रशंसा में लगा हुआ था। वह उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, ऐसे प्राकृतिक और मनोरम दृश्य तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आज इस दृश्यों का आनंद ले लो। शहरी चूहे को ये बात भी चुभी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह सोचने लगा कि अब अपने इस ग्रामीण मित्र को शहरी चकाचौंध का जीवन दिखाना पड़ेगा, तब इसे समझ आएगा कि शहर कितना शानदार होता है। रात होने पर दोनों चूहे घर वापस आ गए। भोजन का समय आया तो गांव के चूहे ने फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा। शहरी भोजन के आदि चूहे को ये भोजन गले नहीं उतर रहा था। वह बोला, मित्र, क्या तुम हर समय फल और अनाज खाते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाऊंगा, साथ ही वहां का शानदार जीवन भी दिखाऊंगा। कल ही तुम मेरे साथ चलो। गांव के चूहे में शहर देखने की लालसा जाग गई। वह फौरन तैयार हो गया। रात नर्म घास पर सोने के बाद अगली सुबह उठकर दोनों शहर के लिए निकल गए। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहा करता था। वह किसी अमीर आदमी का घर था, उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजा धजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधिया गई।
खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। खुशी खुशी गांव का चूहा भोजन करने लगा। सबसे पहले उसके प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने मित्र गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्ली चली गई है, वैसे ये शहरी जीवन का हिस्सा है, यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं। लो केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया, लेकिन इसके पहले वह उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र, मुझे जाने दो, ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता, यहाँ तो हर समय सिर पर खतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला। फिर वह गांव की ओर चल पड़ा और गांव पहुंचकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है, शिक्षा, अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो खतरों से भरा हुआ है। बंदर और डॉल्फिन की कहानी। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उसे भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह अपनी जान बचने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ में बिठा लिया। वह बंदर को लेकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आए। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बड़ा चढ़ाकर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बघारने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहां कोई भी नहीं रहता था। वह बंदर की बात का उत्तर देती हुई बोली, ओह, तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्द तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा और मैं, कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। वो इसलिए कि तुम द्वीप पर इकलौते प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरकर वहां से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसने झूठ और शेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई।